कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट्स। हम डिलिमिटेशन कमीशन में फकत कहा कि नहीं जाएंगे, नहीं, हमने दलायल दिए। एक तहरीरी मकतूब लिखा जो चेयरपर्सन साहब है, उसमें सारे वजूहात कहे। देखिए, ये वजूहात है जो हमें हमारे पास हमारे लिए नामुमकिन होगा, और आज तक वो एड्रेस नहीं किए गए। हमने उसका रद्दअमल, उसका जवाब आज तक हमें मौसूम नहीं हुआ। हमने एक दो तीन किया करिए, जो सारे हमारे जो महफूजा थे, तहफात जो थे उसके बारे में, जो हमारे रिजर्वेशन वो सब कैटलॉग की। तो जब वो एड्रेस नहीं हुए तो ऐसी बात है। तो डिलिमिटेशन हमारा मानना है कि गैर आइन अमल है, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट है जिसके तहत ये बनाया गया है, उसको हमने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो चैलेंज था उसको देख कर, उसमें पहली नज़र में मेरिट पाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया। तो बाकी ये क़यादत का मामला है। जो जब भी बहस तमीज हुई तो हमने डॉक्टर साहब पर, जो हमारे सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन पर छोड़ दिया। वो जो मुनासिब समझे वो फैसला करेंगे जाने की। बल्कि हमने कहा कि हम अवर्स नहीं है। जब भी कोई कहीं से कोई शुरुआत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख ही यहाँ है, और यहाँ से मैं बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने हमेशा शुरुआत की है। देखिए 1975 की बात लीजिए, क्या हमने एक मौकफ नहीं जो आवाम के मफाद में था हमारी नज़र में, वो नहीं इख्तियार किया, लेकिन उसके जो समर था वो समर नहीं मिला जो मिलना चाहिए। 1996 में फिर एक शुरुआत की आवाम के मफाद के लिए, और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा आवाम का मफाद अजीज है, दिल के करीब है। जो आवाम की एस्पिरेशन से उमंगे हैं, तमन्नाएं हैं, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा असाला है। आइसोलेशन में क्या, देखिए जो एड्रेस है मसाइल, वो मसाइल जो है वो एड्रेस कीजिए। देखिए हम चाहते हैं कि अमन अमान हो, कोई तशद्दुद के लिए कोई भी जगह न रहे। ऐसे फैसले कीजिए, आवाम की उमंगों को, आवाम की तमन्नाओं को एड्रेस कीजिए। फिर एक देर पा हमारा कोशिश है, एक देर पा अमन के लिए, जहाँ तैमूर तरकी का दौर शुरू हो। अगर फिर वही जो तशद्दुद हो और वही बेचैनी हो, वही इज़्तिराब हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा कोई नहीं है ऊंचा कि मैं इसके बारे में कोई बात करूँ। यह तो क़यादत की बात है ना, वो क्या फैसला करेंगे जो भी चैलेंजेस होंगे। इदा साहब जब भी चैलेंजेस जो होंगे, उनका जो फैसला होगा, उनका जो दर्जा मोल होगा, वो तो उनका होगा, क़यादत का। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं इंफराजी तौर पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस इज्तिमाही तौर पर इस बात के लिए कोशा है, एक दायमी अमन हो, दायमी तौर पर मसाइल एड्रेस किए जाए, बातचीत बराई बातचीत कोई मायने नहीं रखती। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।